sin in that. ऐसे कैसे अंदर घुस आए? आप ऐसे कैसे किसी घर में घुस सकते हैं? वो लड़का कौन है? वो मेरा दोस्त और हम दोनों यहाँ पढ़ाई करते हैं। उसको उठा तब मैं बात करूंगा। आर्यन, आर्यन, देख भाई, पता नहीं कौन बाबा घुसा है, पता नहीं कौन सी बात कर रही है उसे। देख बताइए बाबा, क्या बात करना है? मुझे सिर्फ 5 मिनट करो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, कुछ पैसे चाहिए तो बताइए वरना यहाँ से जाएंगे। तुम लोग को इस घर में कुछ अजीब सा लगा है? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। हाँ मामा, हमें तो यहाँ कुछ ऐसा लगा है। तुम्हें ऐसा क्या लगा? हमारे घर की घड़ी में हमेशा 5:30 बजे रहता है। बहुत बार ट्राई किया है, कोशिश किया है कि ठीक कर दे, पर कभी ठीक हुआ ही नहीं। हमेशा 5:30 बजे रहता है उस घड़ी में, और बहुत बार हमेशा रात को 12:30 बजे लाइट चली जाती है। और हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मोहल्ले में बारिश नहीं होती है पर हमारे घर में बारिश होती है। ये लो नींबू, तुम दोनों ठीक रात 12 बजे अपने रसोई घर में जाके एक सफेद रंग का घेरा बना के उसके बीच में रख देना, और तुम लोग सोने चल जाना। और फिर जब सुबह उठना, अगर ये नींबू लाल होके फट चुका होगा तो समझ लेना यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा बाबा, ये है कौन और चाचा जी? पहले यहाँ एक लड़के की मौत हुई थी, लोग कहते हैं वो सुसाइड थी, लेकिन वो सुसाइड नहीं, मर्डर थी। और वो आत्मा आप लोग को कुछ बताना चाहती है। बाबा, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है, आप बस ऐसा करिए कि सब चीजें जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। भाई, तुम बाबा ने कुछ नोटिस कियो? नहीं है। अबे, ना तो वो माला पहने थे, ना तो वो टीका लगाए थे। भाई यार देखो, वो हम लोग का अच्छा कर रहे हैं, फिर तुम्हारे दिमाग में फालतू सारी बातें आ रही हैं, तुम फालतू में सारी चीजें सोच रहे हो, जाने दो। अरे प्लीज, और कब पैर भी है उल्टा। साहिल, क्या
अब देख लेते हैं। चलो देख, बिल्कुल आ गए भाई। हाँ भाई, लगता है कोई आया है। कितनी सुबह सुबह कौन आ सकता है? वो देखते हैं। अरे बाबा आप, नहीं बाबा अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा नहीं, बाबा आपने जो बात की थी सच हुआ, नींबू लाल हुआ और फटा भी। और बाबा कल अचानक से पता नहीं लाइट आ रही है जा रही है, कुछ अचानक से ऐसा लगा कोई साया है वहाँ पे। ठीक है मैं चलता हूँ, फिर आता हूँ। ठीक है मामा भाई। मैं छोड़ देता हूँ।